आपका स्वागत है। लगभग 10 महीने के लंबे सफर के बाद फाइनली पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विजेता घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप को इंडियन आइडल की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए और एक कार इनाम में मिली है। पवनदीप ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में अभी तक के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की है। पवनदीप राजन ने कहा कि जब उन्होंने इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी हाथ में ली थी तो उनकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पवनदीप ने कहा, आखिरी समय में मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में बस इतनी बात थी कि जो भी इस शो को जीतेगा ट्रॉफी अपने किसी दोस्त के हाथ में ही आएगी, क्योंकि अब हम एक परिवार की तरह हैं। यहाँ तक कि जब मुझे ट्रॉफी मिली तो मुझे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम सभी इसके हकदार थे। ट्रॉफी जीतने के वक्त की बात करते हुए पवनदीप ने कहा कि हाँ, मेरा परिवार यही था, मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए थे और हम सब काफी खुश थे। जब मैंने ट्रॉफी अपने हाथ में ली तो मेरी माँ रोने लगी। पवनदीप इनाम में मिली रकम से अपने राज्य उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ अपने राज्य के लिए करना चाहूंगा। मैं बच्चों के लिए एक म्यूजिक स्कूल भी खोलना चाहता हूँ ताकि टैलेंटेड बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। पवनदीप पहले ही हिमेश रेशमिया के लिए गाना गा चुके हैं। अब वह करण जौहर के ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बारे में उन्होंने शो के दौरान बात की थी। पवनदीप ने कहा, करण जौहर सर ने मुझे धर्मा प्रोडक्शन में एक गाना ऑफर किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा होगा। हिमेश सर ने पहले ही मुझे और अरुणिता को चांस दिया है और हमने उनके लिए दो गाने गाए हैं। पवनदीप ने यह भी कहा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान और प्रीतम के लिए गाना गाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका सपना सलमान खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने का है। तो गाइस, क्या कहना है आपको पवनदीप की इस जीत के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।